दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इससे पहले हमने रिलैक्सवेल ब्रांड के अलग अलग सोफा फोम के ऊपर वीडियो बनाया था। इस बार हम रिलैक्सवेल के फोम के ऊपर ही वीडियो बना रहे हैं, मगर रिसेंटली रिलैक्सवेल ने दो फोम लॉन्च किए हैं जिसका नाम है एयरमैक्स और एयरमैक्स प्लस। दो फोम कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किए हैं। दोनों फोम अगर फील देखे तो दोनों फोम का फील है वो लेटेक्स टाइप का फील है, बाउंस बैक वाला फील दिया हुआ है, जो कि आप अपने सोफे के अंदर यूज कर सकते हो। तो दोस्तों देखते हैं दोनों फोम का फील कैसा है, रेट क्या है, वारंटी क्या है और सोफे में कहां पे ये दोनों फोम हम यूज कर सकते हैं। दोस्तों फोम और फर्निशिंग की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये वाला एयरमैक्स फोम है रिलैक्सवेल का, देखिए इसका बाउंस बैक इस तरीके का है, लेटेक्स टाइप का बाउंस बैक दिया हुआ है। हालांकि इसका फील देखे तो सॉफ्ट और बाउंसी फील है। अगर इसकी डेंसिटी इसमें लिख के नहीं आती, मगर इसकी अगर ऑलमोस्ट डेंसिटी देखे तो ऑलमोस्ट 35 प्लस डेंसिटी का ये फोम है और इसके अंदर ISI का लोगो आता है इस तरीके का, यानी कि क्वालिटी के अंदर अच्छा होगा, इस तरीके का फील है। देखिए अब इसका हम टेस्ट करते हैं, बॉल को यहाँ से रिलीज करते हैं, देखिए इतना बाउंस बैक इसके अंदर मिल रहा है, तो प्रॉपर बाउंस बैक है इसके अंदर। और क्वालिटी अगर देखे तो देखिए इसके अंदर खड्डा नहीं पड़ेगा। अगर फोम की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है तो फोम के अंदर खड्डा पड़ जाता है, मगर इसके अंदर खड्डा नहीं पड़ रहा है, मतलब क्वालिटी फोम कंपनी ने फोम की क्वालिटी अच्छी बनाई हुई है। दोस्तों रिलैक्सवेल के एयरमैक्स फोम के अंदर कंपनी लाइफ टाइम वारंटी लिख के देती है, मगर इसके अंदर जो वारंटी आती है वो 20 इयर्स की वारंटी आपको मिलती है और प्रो रेटा बेस्ड वारंटी होती है, यानी कि डेप्रिसिएशन लेस करके कंपनी रिफंड करती है। तो इस तरीके का फोम कंपनी ने बनाया हुआ है, इसको आप सोफे में कहां पे यूज कर सकते हो, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप बेज में यहां पे यूज करिए, यानी कि पूरा सोफा है तो जहां पे हम बैठते हैं उस जगह पे आप इस फोम को यूज करिए, ताकि आपको प्रॉपर तरीके का बाउंस बैक और सॉफ्टनेस मिले। बैक ऑफ द सोफा में आप हो सकता है PU फोम भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड रहेगा आपको बैक ऑफ द सोफा कैसा फील चाहिए। मगर अगर आपको बैठने के लिए जो सिटिंग एरिया है वहां पे बाउंस बैक और सॉफ्टनेस वाला फील चाहिए तो ये वाला फोम अच्छा रहेगा। दोस्तों बात करते हैं एयरमैक्स फोम के रेट के बारे में। अगर आप 1 square feet का रेट देखें तो इसका जो रेट है 250 rupees पर स्क्वायर फीट का रेट है। इसका जो थिकनेस है ऑलमोस्ट 100 mm, यानी कि 4 इंच का थिकनेस रहेगा, 250 rupees पर स्क्वायर फीट का रेट है इसका। तो रेट वाइज देखें तो थोड़ा आपको ज्यादा लगेगा, मगर क्वालिटी वाइज कंपनी ने अच्छा बनाया हुआ है। दोस्तों अब देखते हैं रिलैक्सवेल का एयरमैक्स प्लस फोम, जो कि इस तरीके का फोम कंपनी ने बनाया हुआ है। देखिए इसकी अगर डेंसिटी देखें तो ऑलमोस्ट 45 प्लस डेंसिटी का ये फोम है। जैसे ही आप इसको पुश करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा, देखिए फील इस तरीके का है, बाउंस बैक वाला प्रॉपर फील दिया हुआ है, यानी कि जो लेटेक्स का फोम आता है उस तरीके का फील इस फोम के अंदर दिया हुआ है। इसके ऊपर भी ISI का लोगो आता है, यानी कि क्वालिटी के अंदर अच्छा होगा फोम। और इसके अंदर वारंटी लाइफ टाइम लिख के आती है, मगर इसके अंदर भी 20 इयर्स की वारंटी मिलती है, प्रो रेटा बेस लेस करके कंपनी रिफंड करती है अगर कोई दिक्कत आती है तो। दोस्तों इस फोम को भी आप बेज ऑफ सोफा में यूज कर सकते हो, बेज में रख सकते हो। अगर आप स्प्रिंग बेस सोफा बना रहे हो, प्लाई बेस सोफा बना रहे हो, दोनों सोफे के अंदर इस तरीके का फोम आप यूज कर सकते हो, बेज में जहां पे आप बैठते हो वहां पे। हो सकता है कि आपको अगर पोस्टिंग वाइज थोड़ा कम करना है तो बेज में आप ये वाला फोम यूज करिए, और बैक ऑफ द सोफा आप PU फोम भी यूज कर सकते हो, सॉफ्ट फोम भी यूज कर सकते हो, यानी कि पोस्टिंग थोड़ा कम आए तो बेज वाला जो एरिया है वही सोफे के अंदर वैसे देखे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जहां पे हम प्रॉपर फील लेते हैं। तो इसके अंदर बाउंस बैक और सॉफ्टनेस वाला फील दिया हुआ है, लेटेक्स जैसा फील है। इसको आप रिसेंटली लॉन्च, अभी स्लीपवेल ने भी रिसेंटली एक फोम लॉन्च किया है, प्रो लेटेक्स प्लस करके फोम आता है, तो उस तरीके उसके साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हो। दोस्तों बात करते हैं एयरमैक्स प्लस फोम के रेट के बारे में। इसका जो पर स्क्वायर फीट का रेट है 100 mm थिकनेस के अंदर, यानी कि 4 इंच थिकनेस के अंदर, वो है 290 rupees। तो कॉस्टिंग के अंदर अगर देखे तो कॉस्टिंग आपको ज्यादा लग सकता है, मगर फील के हिसाब से देखे तो फील इसका बहुत ही बढ़िया कंपनी ने बनाया हुआ है, सोफे के अंदर बहुत ही प्रॉपर फील देगा ये वाला फोम, तो अच्छा फोम बनाया हुआ है। अब इसका टेस्टिंग करते हैं, बाउंस बैक देखते हैं कितना बाउंस बैक मिल रहा है, देखिए बाउंस बैक भी अच्छा है इसके अंदर। तो दोस्तों इसके अंदर भी खड्डा नहीं पड़ रहा है, देखिए अगर फोम के अंदर फिलर का परसेंटेज ज्यादा हो
तो हो सकता है इसके अंदर खड्डा पड़ जाए, मगर इसके अंदर फिलर कम होगा या फिलर नहीं होगा, जिसके कारण इसके अंदर खड्डे वगैरह नहीं पड़ रहे, यानी कि फोम क्वालिटी फोम कंपनी ने बनाया हुआ है। दोस्तों ये दोनों फोम के मैंने अभी आपको रिव्यू दिए है, दोनों फोम कंपनी ने अच्छे बनाए हुए है। मार्केट में अभी देखे तो बहुत सारे लोग HR फोम सोफे के अंदर यूज करते हैं, पहले के टाइम में PU फोम ज्यादा यूज करते थे, अभी लोगों को सॉफ्टनेस और बाउंसी बैक वाला जो फील है वो ज्यादा पसंद आता है, तो सभी कंपनियां इस तरीके के फोम के पीछे पड़ी है कि भाई बाउंस बैक और सॉफ्टनेस वाला फोम बनाया जाए। तो अभी तो ये रिलैक्सवेल का फोम मार्केट में लॉन्च हुआ है, रिसेंटली स्लिपवेल का भी लॉन्च हुआ था, तो बहुत सारी कंपनियां हो सकता है कि इस तरीके के फोम लेके मार्केट में आए, क्योंकि कस्टमर की डिमांड सॉफ्टनेस और बाउंस बैक की सोफे के अंदर ज्यादा बढ़ रही है। दोस्तों अगर आपको दोनों फोम के अंदर कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई देंगे। दोस्तों ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, जो भी रिसेंट फोम लॉन्च होते हैं उसके हम आपको रिव्यू देते हैं, ताकि आप घर बैठे आराम से देख पाए कि किस तरीके के फोम मार्केट के अंदर अवेलेबल रहते हैं।